उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी यहाँ पे मौजूद है। सर कैसा रहा अनुभव आपका? त्रेता के बाद एक फिर से किसके भी त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को अपनी कैबिनेट में बुलाया था। फिर इस युग में भी मोदी जी ने, योगी जी ने अपनी कैबिनेट में जगह दी और एक निषाद राज के वंशज के बेटे को बुलाया। और ये आस्था की नगरी है, दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्थल है। और आज के दिन में, आज का दिन साबित करता है कि पिछली सरकारों ने उपेक्षित रखा, हमारी सरकार संरक्षित और ये विकसित कर रही है और दुनिया के लोग इसे दर्शन करने आ रहे हैं। और भगवान राम का जो आस्था है ये पूरी दुनिया में। शुक्रिया संजय निषाद जी को। सुना आपने भगवान राम का रास्ता जो है वो अपनाने की बात कही। ये आप तस्वीरों में देखिए, तमाम मिनिस्टर्स, तमाम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी यहाँ से निकल चुके हैं। बहरहाल ये तस्वीरें जो हमने दिखाई आपको, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे, सारे मंत्री पहुँचे थे और ये कैबिनेट बैठक अब समाप्त हो रही है। बहरहाल ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं अब निकल रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे कैबिनेट के मंत्री पहुँचे थे, तमाम लोग पहुँचे थे और ये तस्वीरें जो हमने दिखाई वो कहीं ना कहीं अपने आप में अद्भुत नज़र आ रही थी। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।